जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने 9 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को दीवानी न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसके प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यह प्रचार वाहन गांव-गांव जाकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक करेगी, जिससे लोग 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर अपने मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करवा सकें। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, शमनीय वाद, भूमि वाद, बैंक वसूली, आपराधिक मामलों सहित अन्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा, इस बार भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। उसमें ऐसे सभी मामले जो छोटे छोटे हैं, आपराधिक हैं, बैंक से संबंधित है और दीवानी मामले भी, जिनमें पक्ष आपस में बैठ के सुलह समझौते से निस्तारण कर रहे हैं, उनको हम लोग इस बार भी अधिकाधिक संख्या में निस्तारण करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। सर, क्या अपील करना चाहेंगे? बात करिए सर। गोरखपुर के लोगों से अपील है कि वर्षों से लंबित मामले जहां भी, जिस भी प्राधिकरण में, अधिकरण में, न्यायालय में, विभाग में उनका लंबित है मामला, वहां प्रयास करके दरखास्त दें और दरखास्त दे करके मामले को निस्तारित कराएं। सर, जो प्रचार वाहन को अभी आपने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, क्या सर ये कहां कहां जाएगी? ये सुदूर गांवों में, रिमोट एरियाज में, जहां प्रायः लोक अदालत की सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों का, गांवों के लोगों का जिनका मुकदमा यहां वर्षों से चल रहा है, ऐसे लोगों के को सूचना दी जा रही है प्रचार प्रसार वाहन के माध्यम से। बैंकों की तरफ से वाहन प्रदान किए गए हैं, जिससे अधिकाधिक संख्या में लोग लाभान्वित हुए।